बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। तो आज जो है वो हम बहुत ज़बरदस्त और कमाल की जो है वो रेसिपी बनाने जा रहे हैं। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आज जो है वो हम बहुत ही मज़ेदार कमाल का फ्राई नान जो है वो बनाने जा रहे हैं। घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर प्यारा सा पैन लेंगे, उसके अंदर जो है वो एक कप हम डाल देंगे जी बेसन, और बेसन जो है वो हमने छान लिया था, ये आधा पाव के करीब जो है वो बेसन है। यहाँ पर जो है वो हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1/4 टीस्पून जो है वो हम इसमें डाल देंगे जी नमक। और उसके बाद जो है वो हम डाल देंगे जी 1/4 टीस्पून ये गरम मसाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, इसमें हम डालेंगे जी 1/4 टीस्पून काली मिर्च। और काली मिर्च जो है वो डालने के बाद इसमें हम जो है वो मज़ीद चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले जो है वो आपने जो भी मसाले होंगे उसको आपने जो है वो हल कर लेना है। यहाँ पर जो है वो हल्दी डाल देंगे, और उसके बाद जो है वो हम इसमें डालेंगे जी सूखा धनिया, ये कुटा हुआ जो है वो सूखा धनिया है, और 1 से 1.5 चम्मच जो है वो आपने सूखे धनिए का डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, इसमें हम डालेंगे जी 1 चम्मच दरा मिर्च का। आप जो है वो सुरख मिर्च भी ले सकते हैं और दरा मिर्च भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपने सबसे पहले बेसन में जो भी हमने मसाले वगैरह जो है वो डाले हैं इसको आपने जो है वो सबसे पहले हल कर लेना है। आपने जो है वो प्याज वगैरह या बाकी चीज़ें डालने के बाद जो है वो हल नहीं करना, नहीं तो ये जो है वो आपस में अच्छी तरह जो है वो मिक्सअप नहीं होते। अब यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के लिए जो है वो आपने इसको हल करना है। उसके बाद जो है वो हम इसमें डाल देंगे जी ये अनारदाना है, और थोड़ा सा जो है वो अनारदाना आपने जो है वो साफ़ कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, ये है जी मेरे पास प्याज, और प्याज आपने एक दरमियाने साइज़ का ले लेना है, और उसको जो है वो आपने छोटे पीसीस में काट लेना है, ताकि क्योंकि हम जो है वो इसको फ्राई कर रहे हैं तो ये आसानी के साथ जो है वो फ्राई हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, इसमें जो है वो हम ये छोटे साइज़ के जो है वो आलू थे इसको जो है वो हमने काट लिया था, और ये तकरीबन हाफ जो है वो आलू दरमियाने साइज़ का। तो अब जो है वो हम यहाँ पर डालेंगे जी ये पालक है, और साथ में जो है वो हमारे पास सब्ज़ मिर्ची हैं, और 3 से 4 जो है वो सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे इसमें। और ये डालने के बाद जो है वो अब हम जो है वो इसको हिला लेंगे, और तकरीबन जो है वो 1/2 मिनट के लिए जो है वो आपने हिलाना है, ताकि चीज़ें आपस में अच्छी तरह जो है वो मिक्सअप हो जाएं। उसके बाद जो है वो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है वो हम इसमें डाल देंगे जी पानी, और टोटल जो है वो आपने आधा ग्लास जो है वो पानी का डालना है। थोड़ा थोड़ा करके जो है वो आप इसमें डालते जाएं, और हाथों की मदद से जो है वो आपने हिला लेना है अच्छी तरह। बहुत जो है वो आपने इसको पतला नहीं करना, नहीं तो ये जो है वो नान के ऊपर जो है वो ये सही तरह लगेगा नहीं, फ्राई नहीं होगा। तो इस तरह जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा करके टोटल आधा ग्लास जो है वो पानी का डाल देना है, और डालने के बाद जो है वो आपने इसको तकरीबन 1/2 मिनट के लिए जो है वो रख देना है, क्योंकि इसमें जो भी पालक वगैरह होगी और आलू जो है वो भी अपना पानी छोड़ देंगे। उसके बाद जो है वो आपने इसको फ्राई करने का प्रोसेस जो है वो शुरू करना है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, बेसन हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह जो है वो आपने बहुत ज़्यादा जो है वो पतला नहीं करना, ये आप देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल इस तरह का जो है वो आपने ये थोड़ा सा गाढ़ा जो है वो रखना है। तो अभी हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने नान ले लिया है, ये सादा नान है बिल्कुल, और आप दूसरा रोगनी नान भी ले सकते हैं, तिलों वाला जो है वो नान वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आपने जो है वो जो मिक्सचर तैयार किया था सबसे पहले आपने इसके अंदर डिप कर देना है, और उसके बाद जो है वो आपने जो है वो चम्मच की मदद से जो है वो इसके ऊपर जो हमने बेसन जो है वो तैयार किया था ये हम इसके ऊपर जो है वो लगा देंगे। बाद में चम्मच की मदद से जो है वो थोड़ा सा आपने बैलेंस कर देना है। उसके बाद जो है वो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये कढ़ाई ली है हमने लोहे की, और उसके अंदर जो है वो घी हमने डाल लिया है। घी जो है वो हमारा गर्म है, और मीडियम फ्लेम पे जो है वो हम इसको करेंगे जी फ्राई। तो अभी हम जो है वो इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले डाल देंगे जी फ्राई होने के लिए घी के अंदर, और टोटल जो है वो आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको ऐसे फ्राई करना है। फिर जो है वो आपने इसकी साइड को कर देना है जी चेंज, और इस जो बेसन वाली साइड होगी इसको आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए जो है वो फ्राई करना है। तो सबसे लास्ट पे जो है वो हमने इसमें डाल देना है जी ये चाट मसाला है, आप कोई भी मसाला जो है वो लेकर
और इसमें इसके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। तो ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो बेसन वाला फ्राई नान जो है वो रेडी है। तो मैं अभी जो है वो आपको तोड़ के चेक भी करवाता हूँ। बाज़ार जैसा बिल्कुल खस्ता जो है वो हमारा फ्राई नान रेडी है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और प्यारा जो है वो हमारा फ्राई नान जो है वो रेडी हुआ है। घर पर बनाएं, अपनी आंखों के सामने बनाएं, अपने हाथों से बनाएं, ताकि आपको पता हो कि आप एक अच्छी और मेरी चीज़ खा रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुमान में रखे, अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो जनाब सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए अंदाज में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।